भोजपुरी सिनेमा की ताजा तरीन खबरों के लिए बिंदास भोजपुरिया के साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर क्लिक करें। बिंदास भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी खबरें मुफ्त में पाएं। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को, हमारे पूरे भगवान भोजपुरिया समाज को, उन सभी को हमारे हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है, सलाम है। और आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत सा, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा पीछे सेटअप भी, इतनी खूबसूरत सी लाइटिंग है, इतना खूबसूरत सा सेटअप है, चूंकि दो बहुत खूबसूरत लोग खड़े हैं तो इतना खूबसूरत सेटअप बनाया गया है। और आज फिर से हम लोग एक बहुत ही कमाल का, धमाल का और बहुत ही बवाल सा गाना लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए। ये जिस फिल्म के लिए हम लोग ये गाना कर रहे हैं, इस फिल्म का नाम है या अली बजरंगबली। और चूंकि ये फिल्म काफ़ी चर्चाओं में रही है कुछ दिनों से, काफ़ी दिनों से इस फिल्म की मेकिंग चल रही है, बहुत बड़े लेवल पर इस सिनेमा का निर्माण कार्य हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से इस फिल्म का निर्माण हो रहा है। और आज जैसा कि आप सबके सामने फिर से एक बार मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत और आप सबकी बहुत ही चहेती, आप सबकी बहुत ही पसंदीदा अभिनेत्री अमृपाली दुबे जी हैं, जिनको आप लोग इतना प्यार और आशीर्वाद देते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग से वो रूबरू हो। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एक्साइटेड हूँ एक्चुअली, मैं फर्स्ट टाइम एक मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। और बहुत ज्यादा पाकिस्तान में भी किया था आपने, उसमें पाकिस्तानी इंडियन मुस्लिम फर्स्ट टाइम प्ले कर रही हूँ। और हाँ यार, भूल गई थी मैं yes. मतलब ये भी बहुत बड़ी होने वाली है, वेरी श्योर। आई होप कि आप लोग इस फिल्म को भी उतना ही प्यार दें जितना आपने पिछली फिल्मों को दिया है, पटना से पाकिस्तान को दिया और कई फिल्मों को दिया। बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच। और मैं बिल्कुल, मैं हमेशा से भोजपुरी का एक फैन भी रहा हूँ, साथ ही साथ एक एक्टर, एक सदस्य होने के नाते इस परिवार का एक फैन भी रहा हूँ। तो मेरी हमेशा से कामना और ये हमेशा से मेरी सोच होती है कि जितनी भी खूबसूरत फिल्में हैं, जितनी भी अच्छी फिल्म है, वो ज़रूर चले, हमारे दर्शक उसे ज़रूर देखें, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री को आप सबकी बहुत ज़रूरत है। तो आकर अपने इंडस्ट्री, अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे दोस्त यार के साथ सिनेमा हॉल में आकर सिनेमा को ज़रूर देखें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि सिनेमा वो कैसा लगा। और साथ ही साथ 3 जून को दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 हो रही है, तो जितने भी दर्शक हैं जाकर उस सिनेमा को सिनेमा हॉल में देखें, क्योंकि बहुत ही बड़ी फिल्म है, उसका मज़ा सिर्फ सिनेमा में आएगा, सिनेमा हॉल में आएगा। मैंने उसका ट्रेलर देखा है, काफ़ी शानदार ट्रेलर है, ऐसी फिल्में भोजपुरी में बननी चाहिए। और मैं हमेशा से दिनेश जी को हमेशा से मैं चाहता हूँ, मेरे हमेशा से वो दिल में रहे हैं, मेरे लिए परिवार की तरह, परिवार की तरह नहीं बल्कि मेरे पारिवारिक सदस्य हैं। मैंने उनको हमेशा से माना है, चाहा है, मैं उनको हमेशा से देखते देखते मैं बड़ा हुआ हूँ और बहुत फॉलो भी करता हूँ उनको। तो ये उनकी फिल्म है और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारे बेस्ट विशेज हैं कि वो फिल्म चले और आप लोग आके सिनेमा हॉल में देखें। और सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी नगमा बेगम ने बहुत अच्छा काम किया है, नगमा बीबी ने बहुत अच्छा काम किया है, जितने भी लोग हैं सिनेमा से जुड़े उन सभी को, बॉर्डर पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी एंड सबकी मेहनत रंग लाए। हम जितने भी लोग, ये देखिए जो भी पसीना आ रहा है, हम सब लोग काफ़ी मेहनत करते हैं हर सिनेमा के लिए। तो सिनेमा को कृपया करके सिनेमा हॉल में जाकर देखें और अपना अपना प्यार और आशीर्वाद।